नमस्कार, आप सबका स्वागत है टारगेट विद आलोक पर। आप सबके बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रबंधन बोर्ड के द्वारा 62,000 आरक्षित पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। कल यानी कि 17 फरवरी को दोनों पालियों में परीक्षा सफल संपन्न हो चुकी है और उसका रिव्यू छात्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया था। आज एक बार फिर से 18 फरवरी को दूसरे दिन की पहली पाली की परीक्षा संपन्न होने को है और हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं विवेकानंद इंटर कॉलेज के सामने प्रयागराज में। परीक्षा केंद्र के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं। विद्यार्थियों की परीक्षा लगभग संपन्न होने को है, वो बाहर निकलने को तैयार हैं और पूर्व की बात आज भी हम लोग बात करेंगे अभ्यर्थियों से कि परीक्षा का स्तर क्या रहा, किस प्रकार के प्रश्नों ने उनको मदद की या किस प्रकार के प्रश्नों ने उनको उलझाया और विगत वर्षों या फिर कल जो परीक्षा हुई उसके सापेक्ष किस प्रकार का प्रश्न पत्र उनको देखने को मिला, क्या उनकी उम्मीदों के सापेक्ष बिल्कुल प्रश्न पत्र था जैसा उन लोगों ने तैयारी की थी या उसके विपरीत थोड़ा बहुत उनको देखने को मिला, इस संदर्भ में बात करेंगे। क्योंकि अभी जानते हैं आप सब की एक और पाली की परीक्षा होना शेष है, यानी कि 18 फरवरी द्वितीय पाली की परीक्षा से होना शेष है। तो हमारा प्रयास ये है, हमारी टीम का प्रयास ये है कि आप सबके बीच में सही रिव्यू और विद्यार्थियों के अनुभव को पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो पाए। आइए बात करते हैं अभ्यर्थियों से, वो कैसा लगा? सही था, मतलब कि ना ज्यादा सरल था ना ज्यादा कठिन था, मतलब मिला जुला पेपर था। अच्छा, कुछ कोई ऐसा हिस्सा जो आपको लगा कि विद्यार्थियों को उलझा सकता है? मैथ। क्या विशेषता आज के मैथ में? मैथ में वही परसेंटेज का जो क्वेश्चन था जो है वो थोड़ा घुमा के आया था और एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको कौन सा था। बाकी जो कल दोनों पालियों में परीक्षा हुआ था, क्या उससे मुश्किल पेपर आज आपको लग रहा है? नहीं, उससे मुश्किल नहीं है, मतलब बस मिलता जुलता, मतलब चारों सेट का जो है हमको लगता है कि जो है बराबर आया, मतलब प्रश्न पत्र जो है वो औसत दर्जे का आ रहा है। कल के जैसे ही आज भी पेपर देखने को मिला है, जिन्होंने पाठ्यक्रम की बेहतर तैयारी कर रखी होगी उनके लिए प्रश्न पत्र बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए, बहुत धन्यवाद भाई हमारे साथ बात करने के लिए। आप टारगेट विद आलोक के साथ बने हुए थे भाई, कैसा पेपर रहा? बहुत बढ़िया था सर। पिछले दिन दो पालियों की प्रश्न पत्र देखा होगा, उससे क्या कुछ अलग लगा आपको? वो भी सेम था, सेम था, सबको सेम था। मतलब कोई ऐसा हिस्सा जो आपको बहुत अच्छा लगा हो या आपको आसान लगा हो या कोई अच्छा लगा? जीके रीजनिंग भी ठीक था, मैथ भी ठीक था, लेकिन कुछ कैलकुलेशन ज्यादा था। थोड़ा बताएंगे में के विषय में अलग अलग मैथ की क्या बोलते हैं कल की अपेक्षा कैलकुलेशन ज्यादा था, बाकी रीजनिंग में इजी थे और जीके जीएस काफी इजी आए थे। जीके जीएस हाँ। और करंट अफेयर की क्या स्थिति रही? करंट अफेयर सही था, साइंस वगैरह आए थे काफी, साइंस से का दुख का है। मतलब कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र ऐसा था कि अगर विद्यार्थी ने तैयारी कर रखी है तो आराम से एकदम पेपर आराम से। चलिए, यहाँ से भी यही बात निकल करके आ रही कि अगर पाठ्यक्रम आप मैथ का वही क्या बोलते हैं कैलकुलेशन था, बस हो गया। आज में कैलकुलेशन ज्यादा था, मतलब टाइम टेकिंग था, टाइम टेकिंग था। अगर जिस बार जो भाई टाइम टेकिंग का अगर एक्सपीरियंस है तो निकाल लेगा, अगर एक्सपीरियंस पे है नहीं, बाकी क्वेश्चन 200 नहीं 150 नहीं टच कर पाएंगे। हाँ, जिनको समय प्रबंधन का ज्ञान होगा वो प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे, नहीं तो 150 प्रश्नों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इनका ये कहना है कि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी या कैलकुलेशन ज्यादा था मैथ के हिस्से में। साथ कुछ और अभ्यर्थी, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न पत्र का स्तर क्या रहा। भाई सबसे पहले आप बताए, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, बताया कि आज का पेपर आपको कैसा लगा? पेपर बहुत अच्छा था, जिसको मतलब करने का जिसको ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस था और जो कम समय में ज्यादा कर ले रहा था उसको काफी उसने हद तक सवाल उसने किए है और वो काफी सवाल थे और करंट अफेयर थोड़ा टफ था, बाकी वैसे सब आसानी था। करंट अफेयर थोड़ा सा मुश्किल था इनका कहना, बाकी कह रहे हैं कि बाकी सब आसानी था और जिनके पास समय प्रबंधन आ गया उन्होंने बढ़िया कर लिया होगा। और नहीं, इनका भी था पेपर। अच्छा, आपका भी पेपर था, कैसा अनुभव रहा आपका? ठीक है, मैं थोड़ी डिफिकल्ट थी, बस गणित थोड़ी कठिन थी। और कल दो पेपर हुए थे, आपने उनको देखा था? कल के पेपर नहीं देखे थे? चलिए, कल के पेपर देखे होते तो आपको बेहतर अनुभव होता कि प्रश्न पत्र किस प्रकार का आ रहा है। बाकी हम और भी अभ्यर्थियों से बात करेंगे, अभी आप देख रहे थे हमारा टारगेट विद आलोक। 18 फरवरी की प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, अभ्यर्थियों से हमने बात किया और अभ्यर्थियों से बात करने के बाद यही समझ में आ रहा है कि अभी तक का जो प्रश्न पत्र हुआ है या जो अनुभव अभ्यर्थियों से मिले हैं वो विगत दो पाली की जो परीक्षा प्रश्न पत्र आए थे लगभग उसी के जैसा ही प्रश्न पत्र आया, यानी कि औसत आप कह सकते हैं प्रश्न पत्र का जो कठिनता स्तर है वो बहुत ज्यादा ना तो मुश्किल है ना ही बहुत ज्यादा आसान है, औसत दर्जे का। अगर अभ्यर्थी ने पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी कर रखी, पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ रखा है तो उसको प्रश्न पत्र करने में किसी प्रकार कोई कठिनाई नहीं होगी। कैमरा पर्सन आनंद के साथ डॉक्टर जितेंद्र पांडे, टारगेट विद आलोक, प्रयागराज से।